इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें गिवन है अ क्वाइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस थर्टी वन ओम हैज अ रजिस्टेंस ऑफ एट ओम इट इज प्लेस इन अ सीरीज विध ए कंडी रिएस ट्वेंटी फाइव द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन ए सी सर्किट ऑफ वन हंड्रेड टेन वोल्ट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज पावर फैक्टर निकालना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड जेड की वैल्यू अंडर उ प्लस एक्सी स्क्वायर माइनस एक्सल एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर एक्सेल की वैल्यू थर्टी वन एक्सी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव थर्टी वन एंड ट्वेंटी फाइव इनका स्क्वायर लीजिए तो सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स ये हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड का रूट करेंगे तो टेन आ जाएगा आर की वैल्यू आपकी एट गिवन है आर की वैल्यू एट गिवन है और जेड की वैल्यू आपने टेन निकाल ली तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट एट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें की वन है एन इंडक्टर ट्वेंटी मिली हेनरी एंड कैपेसिटर फिफ्टी माइक्रो फेरेड एंड ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्रॉस ऑफ ई एम एफ वी इज इक्वल टू टेन साइन थ्री हंड्रेड फोर्टी टी द पावर लॉस इन एन ए सी सर्किट इज पावर लॉस बताना है पावर लॉस बताने के लिए क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं पावर लॉस डायरेक्टली या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर उसको चेंज करेंगे अब आई स्क्वायर की वैल्यू है वी बाई जेड वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस तो वी बाई जेड कर देंगे इसका होल स्क्वायर इंटू आर इसके लिए हमें जेड पता होना चाहिए तो पहले जेड निकाल लेते हैं जेड की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर एक्सएल और एक्सी अगर पता करना है तो ये एल की वैल्यू है ये एफ सी की वैल्यू है एक्सी की वैल्यू होती है वन अपॉन ओमेगा सी वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू थ्री हंड्रेड फोर्टी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी थ्री हंड्रेड फोर्टी फिफ्टी माइक्रोफ़ेड तो फिफ्टी ट्वेंटी पॉइंट माइनस सिक्स यह आ जाएगा फिफ्टी एट पॉइंट एट एक्सल की वैल्यू निकालेंगे ओमेगा एल के बराबर ओमेगा एल करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू थ्री हंड्रेड फोर्टी और एल की वैल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी पॉवर माइनस थ्री आ जाएगा सिक्स पॉइंट एट कौन सा बड़ा है तो ही बड़ा है तो ही को एक्सल से माइनस करेंगे इसको माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट थ्री फोर अंडर रूट फोर थ्री जीरो फोर पावर का वैल्यू हमें यह पता चल गया कि पावर रिसिपियड कितना होगा इसे रखते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू हमें रखनी है वी नॉट कितनी आएगी ये टेन रूट टू वोल्टेज की वैल्यू हम रखेंगे तो टेन रूट टू वी आर एम एस कितना होता है वी आर एम एस होता है वी नॉट अपॉन रूट टू वी नॉट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो टेन आ जाएगा उसे रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वी आर एस टेन रूट टू जेड की वैल्यू आ चुकी है फोर थ्री जीरो फोर इसका होल स्क्वायर इंटू आर आर कितना दिया फोर्टी इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन वॉट के बराबर अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या गिवन है तो इसमें हमें गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर आर एट्टी वोट फोर्टी वोट एंड हंड्रेड वोट रिस्पेक्टिवली इन एन एल सी आर सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पावर फैक्टर फिर से आर बाई जेड के बराबर हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस में देखना है तो वोल्टेज कितना होगा दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे आई आर बन जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस और आई जेड बन जाएगा ये क्या बन जाएगा टोटल वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो वी टी कैसे निकलेगा अंडर रूट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस कितना है ये एटी प्लस हंड्रेड माइनस फोर्टी का होल स्क्वायर जितना वोल्टेज एल और एल और सी के, के क्रॉस होगा उसको माइनस करके स्क्वायर कर देंगे तो टोटल वोल्टेज का हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एटी बाई ट एट ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें की वन है अस एल सी आर सर्किट रेजोनेट एट टेन किलो हर्स इफ द कैपेसिटर इज जीरो इज हमको एल की वैल्यू बतानी है जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है एंड कैपेसिटर की वैल्यू इतनी दी हुई है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉइंट टू बाई अंडर रूट एल बाई सी अंडर रूट एल सी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू टेन किलो हर्ट्स टेन एक किलो हर्ट्स में कितना होता है टेन टू टू पावर थ्री इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टेन टू पावर फोर टू पावर फोर रख देते हैं वन अपॉइंट टू बाई एल सी की वैल्यू इतनी गिवेन है सॉरी सी की वैल्यू में यहाँ पे टू पॉल माइनस सिक्स भी मल्टीप्लाई होगा माइक्रोफेरेड की टू पॉल माइनस सिक्स इसका एंड टू जी डेसिमल इसके तो ट्वेंटी पावर एट हो जाएगा इसे सॉल्व करते आएंगे तो एल की वैल्यू जी वन रूट टू पर जिसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव मिली हेनरी और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन